नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीइंग डॉक्टर। जैसा कि आपको पता है, आज 9 सितंबर है, तो जो सेकंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर है वो राजूवास की साइट www.rajuvas.org पर अपलोड कर दिया गया है। और आप सोचेंगे कि मैं सेकंड राउंड क्यों बोल रहा हूँ, काउंसलिंग तो अभी तक हुई नहीं थी। तो मैं बता दूँ, जो फर्स्ट राउंड था वो PH कैंडिडेट्स के लिए था जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड थे। सेकेंड राउंड सभी कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट उनके लिए किया गया है, उसका अलॉटमेंट लेटर आज आ चुका है। जिसको भी कॉलेज मिला है वो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको जो ज़रूरी सूचना है वो बताऊंगा काउंसलिंग से रिलेटेड जो सेकेंड राउंड के लिए आई है। प्लस मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे आप अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं राजूवास की साइट rajuvas.org। और यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं यहाँ पर, ये एक नोटिफिकेशन यहाँ पर ये आया है कि अलॉटमेंट लेटर्स ऑफ सेकेंड राउंड हैज़ बीन अपलोडेड। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे। और जो है आप सीधा जाइए एडमिशन में यहाँ RPUT 2019 लिखा है, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको सेकंड नंबर पे आपको दे रखा है डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर फॉर राउंड सेकंड। इस पे जाने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको अपना जो है यूज़र आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा और डिग्री जो ऑलरेडी फिट है BBA एंड एज। तो यहाँ पर जाने के बाद ये फीड करने पर आपको लॉगिन करना होगा। तो वहाँ आपका पेज खुल जाएगा लॉगिन का, और साइड में जो है कुछ ऑप्शन होंगे वहाँ पर अलॉटमेंट लेटर, अगर आपको अलॉट हुआ है तो ज़रूर आएगा वो ऑप्शन, और अगर नहीं हुआ है तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। उसके लिए आपको अगले राउंड्स के लिए इंतज़ार करना होगा। तो गाइज़ अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है। एक बार फिर से चल जाते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो एनेक्सर थे 1, 2, 3 ये डाउनलोड कर लिया है PDF। आप भी डाउनलोड कर लेना वहाँ से। तो मैं बता देता हूँ इनका रोल क्या है। कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो है एडमिशन के वक्त चाहिए कि कॉलेज में ले जाने होंगे, तो ये गलत फहमी में मत रहना। कई स्टूडेंट यही गलती कर बैठते हैं कि जो है काउंसलिंग के वक्त लेके नहीं जाते, तो फिर उनको एंड मोमेंट पर दिक्कत उठानी पड़ती है जब उनसे मांगे जाते हैं तो उनके पास नहीं होते हैं। तो प्लीज़ आप ये काउंसलिंग के दौरान ही लेके जाएं, इनको पूरा भरिए। और जो आपकी डिटेल्स में भरनी होगी, जो आपकी फ़ोटो और नेम वेम और जो भी है सारा कैटेगरी इसमें दे रखा है वो आप अच्छे से आराम से भर सकते हैं। कुछ भी इसमें कोई अलग नहीं दे रखा। सेकंड जो नीचे दे रखा है इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर इसी क्रम में वहाँ पर मांगे जाएंगे और आपके जो है चेक होगी फोटोकॉपी के साथ, तो आप अच्छे से देख लें। यही डॉक्यूमेंट्स आपने मेरे पिछले वीडियो में, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा उसमें से आप देख सकते हैं। मैंने उसमें कंप्लीट डिटेल RPUT 2019 काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस और डॉक्यूमेंट कट ऑफ के साथ पूरा सब कुछ बता रखा है। तो आपने नहीं देखा वहाँ से आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट, जो कुछ कैंडिडेट्स आप में से कोई अगर व्यूअर AHDP के लिए भी अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीचे, इसमें आपकी इसमें 12th की और 10th की जो भी डिटेल्स पूछी है आप देख सकते हैं। आपको उसमें मार्क्स और सारे पासिंग परसेंटेज भरना होगा। नेक्स्ट आपको डिक्लेरेशन में यहाँ पर साइन करने होंगे, यहाँ पर ऑफिस के लिए साइन होंगे, यहाँ पर आपको नहीं करने हैं। और जो फीस की डिपोजिशन की रिसिप्ट आपको नंबर विद डेट अमाउंट के साथ आपको यहाँ पर डिटेल वो भर देंगे ऑफिस वाले। फिजिकल फिटनेस जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। दोस्तों ये ले जाना, बिल्कुल मत भूलना। इसे आप कहाँ से बना सकते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। इसे किसी भी गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC या फिर कोई भी जो भी गवर्नमेंट का आपके आसपास कोई भी जो है हॉस्पिटल है वहाँ पर जाके आप बना सकते हैं। मेडिकल जूरिस्ट विभाग होता है वहाँ पर, आपको सारी चेकअप होंगे और आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा साइन एंड सील के साथ। तो ये ले जाना भी बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ इसे ले जाना मत भूलिए। तो ये थे एनेक्सर के लिए डिटेल्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि 12 तारीख को काउंसलिंग के बाद क्या करना होगा। तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने फ़ीस जमा करा दी है 12 तारीख को वहाँ पर पहुँच कर, तो 12 तारीख एक तो दो चीज़ें आप करना है, आपको फ़ीस जमा करानी है, प्लस अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो वहीं पर ही आपको फॉर्म भरवाया जाएगा। वहाँ पर से आप फॉर्म भरकर
फिल करके जो भी आपकी चॉइस है, चॉइस आप बिल्कुल भी बदल नहीं सकते क्योंकि जो आपने अप्लाई करते वक्त जो चॉइस भरी थी उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसी चॉइस के अकॉर्डिंग अगर आपके ऊपर वाले कॉलेज में अगर सीट खाली है तो वो आपको अलॉट हो जाएगी थर्ड राउंड में। आपको चॉइस में आपको चेंज नहीं करना होगा, बस सिंपल एक फॉर्म भरना होगा और बस वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और कॉलेज जो है 16 सितंबर यानी 16 सितंबर से स्टार्ट हो रही है क्लासेस। वहाँ पर आपका ओरिएंटेशन के साथ आपका जो भी है प्रोग्राम होगा वहाँ पर आपको 16 तारीख को रिपोर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी थी आरपीयूटी 2019 के लिए। और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं सबका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइज़, यहीं पर ही अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय।